साथियों नमस्कार। प्रस्तुत आपके समक्ष ये आज एक कुंडली, जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ या आप भी जब कभी व्हाट्सएप पर आते हैं, चाहे आप जाने पहचाने हो या अनजान हो या जिस दिन पहली बार आप यहाँ आए थे, और अगर आप कुंडली विवेचन कराना है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन मेरे किसी वीडियो को देख कर या इंटरनेट यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख कर जो किसी न किसी रत्न से संबंधित हो, चाहे वो पन्ना हो, माणक हो, मोती हो या पुखराज या अन्य कुछ भी हो, अगर उन सबको आप देख करके आए और आपने रत्न मांगा कि सर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, ये वाला रत्न बहुत सुंदर लगता है, मैं भी पहनना चाहता हूँ, तो मतलब ये जो पल है या इस पल में जो हमारी एक इच्छा जगती है उसके अनुसार अगर हम उसे धारण करते हैं, या यूँ कहूँ कि मतलब जो समझ में आया, जो अच्छा लगा, जो सुंदर लगा, उसे धारण करने की इच्छा अगर जागृत हुई और अगर वो कुंडली के विपरीत हुआ, तो आप यकीन शायद करें ना करें, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूँ कि आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में नुकसान होना तय है। ये जिस व्यक्ति की भी कुंडली है, मैंने वो सारी चीज़ें छुपा दी, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको सिर्फ एकमात्र ये जानकारी देना है कि इस व्यक्ति ने आते ही कहा कि सर अभी आपने जो पन्ने का वीडियो डाला, आपने देखा होगा मेरा 19-20 मिनट का एक लंबा वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारे पन्ने दिखाए हैं, एक से एक खूबसूरत, बजट रेंज और हाई क्वालिटी सब उसके अंदर दिख रहा है। तो नेचुरल है किसी का भी मन कर सकता है कि ये मैं पहनना चाहता हूँ, और वाकई में बहुत ही खूबसूरत रत्न है पन्ना, बुद्धि के लिए, आई के लिए और एक वाक्पटुता के लिए, वाणी के लिए, ये रत्न बड़ा काम करता है, ये सबको पता है लगभग इस बारे में, जो भी ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं। लेकिन अगर कुंडली अनुसार हमारा बुध, क्योंकि बुध का रत्न है पन्ना, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आपको पता है कि वो फायदे की जगह नुकसान दे सकता है, और नुकसान किस लेवल का हो सकता है ये बुध की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो इस व्यक्ति का यानी कि इनका जो मैसेज था वो सबसे पहले यही था कि सर पन्ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी पहनना है, मेरी राशि कन्या है, आप जल्दी से बताएं कि मैं पहन लूँ और कितने रुपये का आएगा। अगर किसी को इतनी जल्दी है, या यूँ कहूँ कि मैं वो वास्तव में रत्न देखकर इतना प्रभावित है, तो समझ सकता हूँ कि मतलब वो तुरंत उसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन सदैव आपको पता है कि हम रत्न बेचने से पहले इंसान के लिए सही रत्न खोजने का काम करते हैं। यानी कि रत्न बेचना एक अलग विषय है, लेकिन वास्तव में आपके लिए कौन सा रत्न आएगा वो विषय अलग है। वरना किसे पसंद नहीं है कि उसकी कोई चीज़ बिक्री है और बड़ा जल्दी से उसमें धनागमन हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, तो फटाफट दे दिया जाए। नहीं, ये कोई शोरूम में बिकने वाला कोई सजावटी सामान नहीं है जिसे आपने लिया और अपने घर में लगा लिया और उसको देख करके आप खुश हो रहे हैं, आपके मेहमान खुश हो रहे हैं। ये आपके जीवन का सवाल है, एक छोटी सी गलती यानी कि एक गलत रत्न, और उसका एक्टिवेशन अगर बॉडी में जल्दी से हो गया, शरीर पे उसका असर दिखने लगा, तो निश्चित तौर पर हम पहचान भी नहीं पाएंगे, यानी कि जो व्यक्ति धारण कर रहा है वो पहचान भी नहीं पाएगा कि उसे जो अब नुकसान हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। कई लोगों को क्लिक कर जाता है कि जब से मैंने ये रत्न पहना है तब से मुझे फ़ायदा बहुत हो रहा है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हम कई बार पकड़ कर लेते हैं, या आप लोग भी पकड़ कर लेते हैं, लेकिन कई बार लोग पूछ ही नहीं पाते और नुकसान पे नुकसान हो चला जाता है। तो वास्तविकता ये है कि रत्न की खूबसूरती, रत्न का ये सब कुछ देख करके हमको रत्न कभी धारण नहीं करना है। तो बात करते हैं इस बारे में कि इन्होंने आते ही कहा मुझे रत्न चाहिए, वो भी पन्ना। अब आप देख सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के अगर 10% ज्ञान के भी आप हकदार हैं, यानी कि आज तक अगर 10% भी आपने ज्ञान लिया है, तो चौथे नंबर का लग्न, और चौथे नंबर के लग्न का मतलब चंद्रमा का लग्न और बुध का रत्न पहनना चाह रहे हैं, तो ये दोनों जबरदस्त शत्रु हैं। कभी भी चौथे लग्न में पन्ना नहीं पहना जाएगा और बुध के लग्न में मोती नहीं पहना जाएगा। ये आप सबको इस बारे में भलीभांति जानकारी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर नहीं है तो सबसे पहले अपना यही एक जो बेसिक नॉलेज है इसी को क्लियर करना है, ताकि कभी भी भूल कर भी किसी लगन में गलत रत्न ना धारण कर लें। तो इन्होंने आते ही कहा कि सर मुझे सिर्फ पन्ना चाहिए, फटाफट बताएं, मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ, यानी कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये धारण करना है। मैंने कहा कुंडली देख लेते हैं क्या स्थिति बनती है, वास्तव में पन्ना पहनना है तो आपको पहनने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन नहीं पहनना है तो सबसे पहले हम ही मना करेंगे, हर हालत में आपको मना करेंगे कि ये धारण नहीं करना है, उसके बाद भी मर्जी आपकी रहती है, लेकिन हमारा पहला फर्ज है कि आपको यह रत्न ना पहनने के लिए कहा जाए। तो आप देख सकते हैं कि चौथे लग्न में चंद्रमा स्वयं चले गए तीसरे घर में, यानी कि राशि तो सही बन गई, लेकिन कभी भी राशि अनुसार रत्न धारण नहीं किए जाते हैं। मैंने आज के 5 वर्ष पूर्व ही चैप्टर बना दिया था, रत्न सदैव लग्न से धारण किए जाते हैं, राशि से नहीं। जबकि
जेम्स ज्वेलरी की दुकानों पर रत्न सदैव राशि के बिकते हैं। आपने अक्सर पढ़ा हुआ नोट किया होगा कि हमारे यहाँ राशि के रत्न मिलते हैं, राशि की अंगूठियाँ मिलती है। सदैव ध्यान करिए, सतर्क हो जाइए। अगर इस प्रकार की जानकारी देकर आप भी रत्न पहन रहे हैं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वो लॉस कितना बड़ा होगा वो रत्न की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। अगर हल्का फुल्का रत्न है तो हो सकता है आपको पता भी ना चले, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का रत्न अगर पहन लिया, निश्चित तौर पर शारीरिक रूप से जीवन के अंदर, पारिवारिक जीवन में, घर क्लेश में किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। आप खुद भी पता नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कोई ज्योतिष भी जब तक पूरी जानकारी ना ले ले उसे भी पता ना चले। इसलिए इन्होंने पन्ना मांगा, सर्वथा गलत रत्न है इस कुंडली के लिए ये पन्ना, क्योंकि हालांकि विषय खत्म हो गया, जब चौथा लगन आ गया तो पन्ने के बारे में बात करना ही बेकार है, पन्ने के बारे में बात की ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर इसका एक दूसरा पहलू भी और देखूं तो बुध अपनी नीच राशि में जाकर के बैठे हैं। कितने पावरफुल नीच है आप देख सकते हैं, बिल्कुल युवावस्था के बुध हैं, जो कि बहुत भयंकर लेवल पर, यानी कि पन्ना पहनने पर नुकसान ही नुकसान देंगे। हालांकि मैंने लिखा है बुध का शुक्र से जो नीच भंग हुआ है, ये बहुत बहुत टिपिकल कंडीशन है। मैंने चैप्टर 107, 106 और 107 से जब इसकी सीरीज बनाई थी तो उसमें भी एक विषय डाला था कि जिस राशि में जो ग्रह नीच हो रहा हो, अगर उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह अपनी राशि में स्वयं बैठ जाए, यानी कि बुध 12 नंबर पर नीच हो रहा है और इसी राशि में आप देखते हैं शुक्र उच्च होते हैं और वो अपनी स्वयं की राशि में बैठ गए हैं, तो नियमानुसार इनका विपरीत, इनका जो नीच भंग है वो हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा आंशिक रूप से, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कमजोर स्थिति में, इसलिए लाभ थोड़ा कम मिलेगा, मिलेगा जरूर लेकिन कम मिलेगा। चलो ये अलग विषय हो जाता है, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पन्ना किसी भी हालत में धारण नहीं करना है, बल्कि इनके लिए इनके खुद के त्रिकोण के रत्न धारण करने की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं गलत बैठे हैं, मंगल गलत बैठे हैं, गुरु गलत बैठे हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो इनके लिए रत्न कोई बनता ही नहीं है। हालांकि फिर भी रत्न बन रहा है, वो इनको नीचे लिख दिया गया है, जो भी स्थितियां यहाँ पर दिख रही है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कुंडली के अंदर कौन सा रत्न बनता है, आप अवश्य बताएं। इस आज के वीडियो में ये कमेंट करने के लिए आपको स्थान छोड़ा है कि आप अगर बता सकते हैं, अगर ज्योतिष विज्ञान सीख रहे हैं तो निश्चित तौर पर कौन सा रत्न पहनने से इनके जीवन में बदलाव आ सकता है, या फिर ये कौन सा रत्न इकलौता या दो रत्न, तीन रत्न, कितने रत्न पहन सकते हैं, अवश्य उसकी जानकारी आप दें। मैंने लगभग 75% तो आपको क्लियर कर ही दिया है कि तीनों त्रिकोण के रत्न पहने नहीं जाएंगे, बुध के लिए मनाही है साफ साफ। कौन सा पहन सकते हैं उसकी जानकारी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। कैसा लगता है आज का वीडियो, आपको जागरूक और सतर्क करने का मेरा सतत प्रयास कई वर्षों से है। आप देख रहे हैं आज 6 से 7 वर्ष लगभग YouTube चैनल को हो चुके हैं और उसमें लगभग आप सबको इसी प्रकार की छोटी बड़ी या जो भी जानने लायक विषय है वो बता करके आपको मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ पहनो ना पहनो, लेकिन गलत कभी भी मत पहनो। मैं नहीं कहता आप धनवान हैं, गरीब हैं या सामान्य हैं, या आप पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, लेकिन बस इतनी सी बात है कि अगर पता नहीं है या अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मत पहनो। इवन कई लोग आते हैं, कुंडली नहीं है सर, रत्न बताओ मुझे पहनना है। मैंने कहा मत पहनो, क्योंकि जिसको कुंडली की जानकारी नहीं है उसके रत्न का कुछ भी चयन करना सिर्फ उसके शरीर को नुकसान देगा, तो अपने को ऐसा नुकसान नहीं करना है। यानी कि ना पहनो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि आप गलत पहन लो। इसलिए जब तक कुंडली हाथ में नहीं, रत्न मत पहनो। रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उसका एक अलग सिस्टम है, वो आपके प्रश्न क्या है उसके हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से रुद्राक्ष का भले चयन किया जा सकता है, लेकिन जब तक कुंडली ना हो रत्न कभी नहीं पहनना। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको एक अच्छा ज्ञान मिला होगा, यानी कि एक सटीक जानकारी मिली होगी कि रत्न कभी भी राशि से नहीं पहने जाते, लगन से पहने जाते हैं, ग्रहों की स्थितियों से पहने जाते हैं। यानी कि लग्न पता होने के बाद भी ग्रहों की क्या स्थितियां हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि भाई फला लगन है और उसमें 3-4 जो रत्न फिक्स होते हैं उनमें से कोई भी पहन लो, नहीं, हमारा ग्रह कहाँ जा रहा है उसके अनुसार सारी बात होगी। तो ये आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, कैसा लगता है अवश्य बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।